हिंदी फिल्म का एक गाना आपको याद होगा, सखी सैयां तो खूबे कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। लगातार देश में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और हर एक दिन 40 पैसे 80 पैसे तो कभी 1 रुपये 25 पैसे की वृद्धि हो रही है। और आप देखिए कि किस तरीके से पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और लोगों की जेब पर इसका सीधा भार जो है वो पड़ रहा है। देखिए पटना में 114 रुपये कुछ पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत जो है वो पटना में भी फिलहाल हो गई है और राजधानी के लोग जो हैं वो परेशान हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर के। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। भाई साहब, पेट्रोल की कीमतों में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, क्या कहेंगे आप? नहीं कुछ बोल सकते हैं भाई साहब, कुछ बोल नहीं रहे हमारे साथ। देखिए और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में जो भाई साहब पेट्रोल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, कितना आपके पॉकेट पर प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा है अंकल, यहाँ कॉलेज जाने में दिक्कत होता है और फिर गाड़ी निकालने में, फोर व्हीलर में तो 500 रुपये से ऊपर ही लग ही जाता है जब भी निकालते हैं। तो छात्र हैं आप लोगों को और ज़्यादा कठिनाई हो रही है? स्टूडेंट है तो दिक्कत होता है दिल्ली आने जाने में। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब पेट्रोल की कीमतों में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, पॉकेट कितना एफर्ट कर रहा है आपका? पॉकेट क्या करे सर, मजबूरी है, जितना महंगाई बढ़ते जा रहा है उसके हिसाब से उसका एक भी इनकम नहीं है सर। महंगाई बढ़ते जा रहा है, सैलरी उतने का उतना है, हर चीज़ का कीमत में बढ़ोतरी हो रहा है सर। एक मजबूरी है, क्या करे आदमी, लत लग गया बाइक से चलने का तो पहले कहाँ चलेगा। चलिए लत लग गई है बाइक से चलने के। हमारे साथ और भी लोग हैं। वैसे पेट्रोल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, क्या कहेंगे आप? नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की कीमत पर सारा चीज़ डिपेंड करता है और यहाँ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, लोग बाइक यूज़ करते ही है, तो इसमें तो गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। सरकार से क्या आप मांग करते हैं? मांग करते हैं कि बिहार सरकार से भी मांग करते हैं, उनका भी टैक्स है, उसको कम करें जैसे अदर स्टेट कुछ किए हैं, यही मांग करते हैं। चलिए चलिए, लोगों का ये कहना है कि केंद्र सरकार के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने टैक्स को कम करें ताकि पेट्रोल की कीमतों में जो लगातार इजाफा हो रहा है उसमें कमी आ सके। हालांकि इन सबके बीच आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे हैं और वजह साफ है, जो रूस और जो क्यूबा के बीच जो युद्ध हुआ है उसका असर कहीं ना कहीं से भारत में भी पड़ा है और इसी वजह से पेट्रोल की कीमतों में ज़बरदस्त जब। भाई साहब केंद्र सरकार लगातार कीमतें बढ़ा रही है पेट्रोल की, क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे, हम चुन के भेजे ही हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाने के लिए, तो बढ़ाते रहे हैं, हम लोग को झेलना मजबूरी है, जेब पे असर पड़ रहा है, कुछ अब कर नहीं सकते हैं, अब तो हम चुन के भेज दिए हैं, तो अब जो करेंगे हम लोग को झेलना है जो झेल रहे हैं। चलिए देखिए अजीब विडम्बना है, जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जनप्रतिनिधि को चुन करके भेज तो दिया, केंद्र में वो सरकार भी बनाते हैं आम लोग, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार आम लोगों के पॉकेट का ध्यान नहीं रखती और यही वजह है कि एक बार फिर से बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम लोगों को रुला रही है। पटना से सहयोगी मणिभूषण के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।